हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूलर ग्राफ क्या होते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले तो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि यूलर ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कितना जल्दी से जल्दी हम यूलर ग्राफ को फाइंड कर सकते हैं। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा वॉक क्या होती है, पाथ क्या होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी, ट्रेवर्सल सीक्वेंस क्या होती है। तो यूलर ग्राफ को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूलर ग्राफ, किसी भी ग्राफ के लिए जब हम फाइंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले वो ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। अब कनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं? देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। अब पाथ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे ना कोई वर्टेक्स रिपीट हो ना कोई एज रिपीट हो। तो कनेक्टेड ग्राफ के लिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ग्राफ है, तो क्या हम इस ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जाने का कोई भी पाथ नहीं है। और कनेक्टेड ग्राफ हम किसे बोलते हैं? जहाँ पे हर वर्टेक्स के बीच में, हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट करता हो, तो कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये सारे ग्राफ, ये डिफरेंट ग्राफ्स यहाँ पे गिवन है, तो ये सारे ग्राफ आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई भी ग्राफ डिसकनेक्टेड नहीं है। तो यूलर ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? स्टार्ट फ्रॉम ए वर्टेक्स एंड बाय ट्रेवर्सिंग एवरी एज ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस। हमें किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और हर एक एज को ट्रेवर्स करना है एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक ही बार एज को ट्रेवर्स करना है, एंड एंड अपॉन द सेम वर्टेक्स। और एंड किस पे करना है? सेम वर्टेक्स पे, यानी कि जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया है, हमने जिस वर्टेक्स से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, बीच के हमने सारे एजेस को ट्रेवर्स किया एग्जैक्टली वंस, और लास्ट में हमें एंड करना है सेम वर्टेक्स पे, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया था उसी वर्टेक्स पे हमें एंड करना है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फाइंड करेंगे यूलर ग्राफ है या नहीं। पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप पेपर में इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ है या नहीं। तो पहला ग्राफ क्या है? ए बी सी डी। अब क्या बोला है? फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया ए से, स्टार्ट फ्रॉम ए वर्टेक्स, हमें किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और ट्रेवर्स करना है हर एक एज को एग्जैक्टली वंस, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, सिर्फ एक बार वर्टेक्स को ट्रेवर्स करना है और फिर एंड करना है सेम वर्टेक्स पे। थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इसको लाइक दिस। तो हमने स्टार्ट किया ए से, ए से हम आए डी पे, डी के बाद हम गए बी पे, देन सी पे, एंड देन वापस ए पे। तो यहाँ पे हमने सारे वर्टेक्स, सारे एजेस को ट्रेवर्स किया सिर्फ एक बार, और एक वर्टेक्स से शुरू किया था उसी वर्टेक्स पे हमने एंड किया है। तो ये ग्राफ क्या है? यूलर ग्राफ। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए बी सी डी ई, सेम एज हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक एक ग्राफ के लिए, यूलर ग्राफ फाइंड करने के लिए हमारी कितनी भी पॉसिबल ट्रेवर्सल सीक्वेंस पॉसिबल हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं ए से, बी सी डी, एंड देन ए, हमें एज रिपीट नहीं करना है, वर्टेक्स हमारा रिपीट हो सकता है। तो हमने ए से स्टार्ट किया और हम सारे एजेस को ट्रेवर्स करने के बाद वापस ए पे आके स्टॉप कर गए हैं, तो ये हमारा ग्राफ क्या है? यूलर ग्राफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। हमने स्टार्ट किया बी से, हम ट्रेवर्स करते आए, अब हम एक किसी एक वर्टेक्स को एक से ज़्यादा टाइम्स ट्रेवर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या है? एज को रिपीट नहीं करना है। तो ये भी ग्राफ हमारा क्या हुआ? यूलर ग्राफ है, क्योंकि हमने सारे वर्टेक्स को ट्रेवर्स कर लिया है और सारे एजेस को भी ट्रेवर्स कर लिया है, और जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया था उसी वर्टेक्स पे हमने एंड कर लिया है। तो ये ग्राफ हमारा क्या है? यूलर ग्राफ। सेम एज अगर यहाँ पे हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करें,
फॉर एग्जाम्पल हम सी से स्टार्ट करते हैं, सी टू डी ई एंड देन बी. अब अगर हम ए की तरफ जाते हैं मूव करते हुए, ट्रेवर्स करते हुए, तो ए के पास जाने के बाद हम दोबारा बी पे नहीं आ सकते, कोई और एज प्रेजेंट नहीं है, हमें इसी एज को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा. और एक एज को यूलर ग्राफ के लिए हम सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स करेंगे, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फेल हो गई. दैट मीन्स ये ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ नहीं है. उसके बाद आते हैं इस ग्राफ पे. ए से स्टार्ट किया, ए बी सी डी ई, तो यहां से तो पॉसिबल नहीं हुआ, हम कोई और सीक्वेंस ट्राई करते हैं. एक बार ग्राफ को दोबारा से ड्रॉ करते हैं. वो पर्टिकुलर सीक्वेंस, हमारी ट्रेवर्सल सीक्वेंस नहीं हो पाई. तो फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया ए से, मूव किया इस पे एंड देन, तो हमें बार बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि क्या पता अब यहाँ पे ए पे हम दोबारा आ चुके हैं, लेकिन ए से अगर हम यहाँ जाएंगे तो हम किसी अनदर वर्टेक्स पे स्टॉप करते हैं और हमारा ये वाला एज तो ट्रेवर्स किए बिना ही रह गया. तो ये ग्राफ क्या है, हमारा यूलर ग्राफ नहीं है. इसमें हम सारे एज को ट्रेवर्स नहीं कर पाए, और अगर हम सारे एज को ट्रेवर्स करते हैं तो हमारा कोई ना कोई एक एज ऐसा है जो मोर देन वन टाइम्स ट्रेवर्स होता है. तो ये ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ नहीं है. सेम एज अगर हम इस ग्राफ से शुरू करते हैं, अब यहाँ पे आके अब अगर हम स्टॉप करते हैं बी पे, तो इस F टू D वाले एज को ट्रेवर्स करने के लिए हमें B टू D वाले एज को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, और जहाँ पे कंडीशन फेल हुई वहीं पे हमारा यूलर ग्राफ पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए हमें एक एक बार चेक करना पड़ेगा. अब एक कोई एक ट्रेवर्सल सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, आप भी देख चुके हैं एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना इस तरीके से तो थोड़ा मुश्किल है. तो एक ट्रिक क्या है जो कि हमें एग्जाम में यूज़ करनी है, ठीक है, वो क्या है, सेवन ब्रिज ऑफ कोजनबर्ग ने एक थ्योरम दी थी जहाँ से हमारा ग्राफ थ्योरी इन्वेंट हुआ था. तो उन्होंने एक थ्योरम में क्या प्रूफ किया था कि जितने भी हमारे वर्टेक्स हैं उन सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन. अगर उन सभी वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी तो हमारा ग्राफ यूलर ग्राफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब सभी वर्टेक्स की डिग्री इवन कैसे होगी, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं किसी एक वर्टेक्स से, ए से स्टार्ट किया हमने. अब हम ए से स्टार्ट करते हैं, हमें बीच में जितने भी एज आए, जितने भी वर्टेक्स आए, हमें सभी को एक बार ट्रेवर्स करना है, एग्जैक्टली वंस. तो ट्रेवर्स करने के बाद हमें एंड भी किस पे करना है, सेम वर्टेक्स पे. तो सेम वर्टेक्स पे जब हमने किया तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, दो, यानी कि इवन. सेम एज अगर उसके बाद कोई और पॉसिबल चॉइस है और बीच में और भी एज ट्रेवर्स करने हैं या वर्टेक्स ट्रेवर्स करने, फिर से अगर एंड करते हैं ए पे, तो 2+2=4. अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, 4. तो हम डिग्री के बेसिस पे भी फाइंड कर सकते हैं कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और जहाँ पे एंड किया है उस वर्टेक्स की हमारी डिग्री क्या होगी, इवन होगी. सेम एज अगर हमारा वर्टेक्स है इंटरमीडिएट वर्टेक्स, यानी कि मिडल में कोई भी वर्टेक्स है, लाइक बी वर्टेक्स है, तो कहीं ना कहीं से हमारा एज ट्रेवर्स होता हुआ आया है ग्राफ के अंदर, और यहाँ पे हम स्टॉप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये मिडल वर्टेक्स है, हमें तो एंड कहाँ पे करना है, सेम वर्टेक्स पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. तो यहाँ से ट्रेवर्स करने के बाद हमें आगे भी मूव करना पड़ेगा. अब यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो गई, 1+1=2. सेम एज अगर और कोई पॉसिबल पाथ है तो भी, अगर इधर से पाथ बी पे आया ट्रेवर्स करके कोई एज, तो आगे भी उसको मूव करना पड़ेगा. यहाँ पे भी कितनी पॉसिबल डिग्री हुई, इवन. तो इससे कंक्लूजन क्या फाइंड होता है, अगर हमें फाइंड करना है कि कोई पर्टिकुलर ग्राफ यूलर ग्राफ है या नहीं, तो जस्ट हमें चेक करना है कि उसके अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं उन सभी वर्टेक्स की अगर डिग्री इवन है तो हमारा ग्राफ यूलर ग्राफ होगा, अदरवाइज यूलर ग्राफ नहीं होगा. तो हम अपनी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे ए की डिग्री क्या है, 2, डी की डिग्री 2, बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 2. हम डिग्री पहले फाइंड कर चुके हैं, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स प्रीवियस क्लासेस में. अगर आपने नहीं देखी है कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं तो आप
प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारे वर्टेक्स की डिग्री क्या आई, 2, यानी कि इवन है, तो इवन है तो हमारा ग्राफ क्या होगा, यूलर ग्राफ पॉसिबल होगा। सेम एज अगर हम यहाँ पे आते हैं, सी की डिग्री 2, डी की डिग्री 2, ई की डिग्री 2, बी की डिग्री 1, 2, 3, 3, ए की डिग्री 1। अब यहाँ पे बी और ए दो ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री ओड है, जहाँ पे भी ओड डिग्री मिल जाए वहीं से क्या करना है, वो हमारा यूलर ग्राफ नहीं होगा, वहीं पे स्टॉप कर जाना है। सिर्फ हमें चेक करते जाना है कि सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन होनी चाहिए। अब ई की डिग्री 2, डी की डिग्री 1, 2, 3, 4, डिग्री क्या था, जितने भी वर्टेक्स उस पर्टिकुलर, जितने भी एज उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कनेक्टेड हैं, 1, 2, ए की 1, 2, 3, 4, 4। अब यहाँ पे 2, 4, 2, 4, 2, तो सारी डिग्री क्या है, इवन है, यानी कि ये हमारा ग्राफ यूलर ग्राफ है। अब इस पे आते हैं 2F की, E की 1, 2, 3, 4, 5। अब E की डिग्री क्या मिल गई, 5, यानी कि ओड है, तो यहीं पे हम क्रॉस लगा देंगे, हमें सारे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे एक फॉल्स हो गया दैट मीन्स वो ग्राफ यूलर ग्राफ नहीं होगा। किसी भी एक वर्टेक्स की ओड डिग्री मिलते ही वहीं पे स्टॉप कर जाना है, दैट मीन्स वो यूलर ग्राफ नहीं है। सेम एज ए की डिग्री 2, बी की 1, 2, 3, 4, सी की 1, 2, 3, 4, डी की 2, ई की 1, 2, 3, 4, एफ की 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे भी सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन है, तो ये ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ है, और हम इसको डेफिनेशन के थ्रू भी फाइंड कर चुके हैं, ये ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ था। यहाँ पे जी की डिग्री 2, एफ की डिग्री 1, 2, 3। अब एफ की डिग्री 3 मिल गई, यहीं पे स्टॉप करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे कि ये पर्टिकुलर ग्राफ हमारा यूलर ग्राफ है या नहीं। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, यूलर ग्राफ क्या होता है, यूलर ग्राफ हम किस ग्राफ पे डिफाइन करते हैं कि यूलर ग्राफ होगा या नहीं, यानी कि कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, और कनेक्टेड ग्राफ क्या था कि सभी वर्टेक्स के बीच में पाथ होना चाहिए। उसके बाद यूलर ग्राफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया कि यूलर ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक से भी हमने फाइंड किया, जो कि आपको एग्जाम में फॉलो करनी है, उससे आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको डेफिनेशन भी याद नहीं है तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, और जो यूलर है वो किस पे वर्क करता है, एजेस पे, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करना है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन और यूलर में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं स्टूडेंट्स। हैमिल्टोनियन जो बच गया वो वर्टेक्स पे वर्क करता है, लेकिन यूलर हम किस पे फाइंड करते हैं, एज पे, यानी कि सारे एजेस को हमें ट्रेवर्स करना होता है एग्जैक्टली वंस। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करते हैं, आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है फर्दर फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।